सो हे गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैसे क्लासिक सेल्फी स्टिक की, जिसे आप जब चाहे एज अ ट्राइपॉड स्टैंड यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे ट्राइपॉड बना करके यूज कर सकते हैं और कुछ इस तरीके के वीडियो शूट कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, और कहीं पर भी आप इसे एज अ सेल्फी स्टिक यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे व्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं। मतलब कि कितना अच्छा हो जाएगा ना कि यार आपका कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए। इसमें आप कभी भी अपने कैमरे को अटैच कर सकते हैं, कभी भी आप अपने मोबाइल को अटैच कर सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं, मतलब कि कम में बम। सो गाइस, ये बहुत ही शानदार आपके लिए सेल्फी स्टिक होने वाली है। सो गाइस, चलिए करते हैं इसकी फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग, उसके पहले शॉर्ट इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, ये आपको कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग के साथ देखने को मिल जाता है। यदि बात करें इसकी बॉक्स पैकिंग की, तो बॉक्स पैकिंग काफी ठीक ठाक है, 15 रुपए किलो के हिसाब से तो बिकी जाएगी कबाड़ी में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको बिल दिया जाता है, और ये मुझे पड़ा है 357 रुपये का, मैंने इसे मीशो से मंगाया है। ऑर्डर कैसे करना है वीडियो के आगे मैं बता दूंगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग मिल जाती है। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं, मतलब कि अनबॉक्स कर लेते हैं। कोई नहीं, बिक ही जाएगा 15 रुपये किलो के हिसाब से कबाड़ में, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी ओपन करो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इस वाली बॉक्स पैकिंग के अंदर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि इस वाली सेल्फी स्टिक का है, जो कि काफ़ी टाइट यहाँ पे लग रहा है। पैकिंग यहाँ जबरदस्त दी हुई है, तो इसे अब बेचने निकाल देंगे यार 15 रुपये किलो के बाद से, ओलेक्स पे डाल देंगे, बिक जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहता है। इसकी जो ओरिजिनल बॉक्स पैकिंग है इस वाली सेल्फी स्टिक की, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। YT1288 यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है, और इसके नाम से यार चाइना की यहाँ पे थोड़ी सी बू आ रही है, मतलब कि नाम से ही चाइना वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे सेल्फ पिक्चर मोनोपोड लिखा हुआ है फॉर मोबाइल फोन, बट इसे आप कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें कैमरे को अटैच कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। चलिए ठीक है, फटाफट से इसे ओपन करके ही देख लेते हैं ना। और यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर दिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आप अंदर क्या देखेंगे बताइए। तो आपको यहाँ पे एक ये मिल जाता है यूज़र गाइड, ये मतलब यूज़र गाइड ही है, और ये है चाइना लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट दिया हुआ है, मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको रिमोट कंट्रोल मिलने वाला, इसे रखते हैं बिसाइड में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिख जाता है बॉक्स के अंदर। आपको यहाँ पे एक लेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको इस वाली लेस को यहाँ पे लगाना होगा, और कुछ इस प्रकार से आपको ये सेल्फी स्टिक देखने को मिल जाती है, क्लासी सेल्फी स्टिक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसका बात करें कि वेट की तरह काफ़ी लाइट वेट है, और यहाँ पे पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। तो चलिए फटाफट से इसे यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका फीचर क्या है और ये इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से लगा लेना इस वाली लेस को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक रिमोट कंट्रोल दिया जाता है, जो कि आपको अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी, इस प्रकार से निकल भी जाता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे 3 बटने देखने को मिल जाती है इस वाले रिमोट में। सेल्फी स्टिक की कंपनी का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक स्विच देखने को मिल जाता है। इस वाली बटन को आपको यहाँ पे पुश करना होगा। जैसे आप इस वाली बटन को यहाँ पे पुश करेंगे, यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा भी हुआ है, तो आपका जो रिमोट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रिमोट कंट्रोल का जो LED है वो ऑन हो चुका है। अब आप इसे यहाँ पे सिंपली से अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में ब्लूटूथ में जाना होगा, देन आपको वहाँ पे ब्लूटूथ सर्च, मतलब कि वहाँ पे स्कैन करना होगा और इसे पेयर कर लेना होगा। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप वापस इसे लगा देते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे लेस को लगा दीजिए, इस प्रकार से रिमोट को लगा दीजिए, ऑन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, मैं आपको वीडियो में आगे बता देता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर से कंपनी का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। यार नाम से यहाँ पे चाइना वाली फीलिंग आ रही है, मतलब यार मज़ा नहीं आ रहा है, बट क्या करें। और साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि कुछ यार यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 लॉक्स दिए हुए हैं। आप इसे यहाँ पे इस प्रकार से अनलॉक कर सकते हैं, और इसके जो साइज, इसका जो हाइट है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इसका हाइट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसमें कैमरे को कैसे अटैच कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे यार काफ़ी यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया हुआ है, और आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रोटेट होता है। इस वाले पेपर को हटा लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आप जब यहाँ पे अपने मोबाइल को अटैच करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे आसानी से इसे इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजीली यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे आपको लॉक देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे 1 टाइम करेंगे, देन यहाँ पे लॉक हो गया कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। आप जिस भी एंगल में यहाँ पे इसे करना चाहते हैं, इसे सेट कर लीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे इसे टाइट कर देंगे इस वाले स्क्रू को, तो ये बहुत ही इजीली यहाँ पे टाइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अपने कैमरे को भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली दूसरी सेल्फी स्टिक देखेंगे तो आपको उसमें कैमरे को अटैच करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता, लेकिन इस वाले
क्लासी सेल्फी स्टिक में आप यहाँ पे कैमरे को भी अटैच कर सकते हैं। सो गाइस अब यदि आपको यहाँ पे अपने कैमरे को अटैच करना है तो इस वाले मोबाइल होल्डर को यहाँ से निकालना होगा। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले स्क्रू यहाँ पे जो आपको रिंग दिख रहा है इसको इस प्रकार से घुमाना होगा, स्क्रू बोल दीजिए या फिर यार उतनी इंग्लिश तो अपने को भी नहीं आती। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये मोबाइल होल्डर निकल चुका है और यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक दी हुई है इस वाले मोबाइल होल्डर की, और इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने मोबाइल को अटैच कर सकते हैं। तो इसे अभी साइड में रखते हैं। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बहुत ही इजीली अपने कैमरे को भी अटैच कर सकते हैं। यदि वेट की बात करें तो यार अब ऐसा है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जब आप यहाँ पे जब जितने भी वेट में आप कंफर्ट फील करें आप यहाँ पे उतने वेट को लगा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप 1 से 2 किलो के वेट को यहाँ पे लगा सकते हैं, अपने DSLR को भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास GoPro होगा व्लॉगिंग के लिए आप उसे भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स आप यहां पे बहुत ही इजीली अपने कैमरे को भी अटैच कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब कि यार सेल्फी स्टिक बहुत ही धासू है, कमाल की है, और यहां पे आप इस प्रकार से व्लॉगिंग भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अपने किसी भी कैमरे को यहां पे अटैच कर सकते हैं। यदि आपके पास कैमरा नहीं है तो आप यहाँ पे इस वाले मोबाइल होल्डर की हेल्प से यहाँ पे आप अपने मोबाइल को भी अटैच कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गई सेल्फी स्टिक की बात, जब चाहे आप यहाँ पे व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब यदि आपको कभी ट्राइपॉड की जरूरत पड़े और आपके पास ट्राइपॉड उस टाइम पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वाली सेल्फी स्टिक को आप ट्राइपॉड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे इसके हाइट को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे कैमरा भी इसके साइज को कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसका साइज बहुत ज्यादा है, मतलब कि नॉर्मली आपकी हाइट इतना तो हो गई है, नॉर्मली आपका वीडियो शूट कर लेगा, आप जब खड़े होकर भी वीडियो शूट करेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो सेल्फी स्टिक है, अब हम इसे ट्राइपॉड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ट्राइपॉड एज अ ट्राइपॉड कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक गोरिल्ला या फिर आपके पास छोटा वाला स्टैंड होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उसे भी मंगाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इसे भी फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं, आप इसे मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स को भी कबाड़ी में बेच सकते हैं, 15 रुपये किलो आपको वहाँ पे भी इसका रेट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसे रख देते हैं अभी साइड में। सो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे गोरिल्ला मंगाया हुआ है इस वाली सेल्फी स्टिक को ट्राइपॉड में कन्वर्ट करने के लिए, यह आपको 100 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, आप लोग मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में आपको इस वाले गोरिल्ला के साथ भी ये आपको एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है, मतलब क्या मोबाइल होल्डर की बारिश होने वाली है, आपको दो दो मोबाइल होल्डर मिलने वाले, एक तो इस वाले सेल्फी स्टिक के साथ दूसरा इस वाले गोरिल्ला के साथ। अब आपको यदि इस वाले सेल्फी स्टिक को एज अ ट्राइपॉड यूज करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली सेल्फी स्टिक को बहुत ही आसानी से यहाँ पे इस प्रकार से लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स आप यहां पे इस वाले छोटे वाले स्टैंड या फिर गोरिल्ला की हेल्प से इस प्रकार से इस वाली सेल्फी स्टिक में अटैच कर सकते हैं और इसे एज अ ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप यहां पे अपने मोबाइल को या फिर जब आप यहां पे कैमरे को अटैच करेंगे तो आप उसे 360 में भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आप इस प्रकार से 360 में भी यूज कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। आप इस वाले कैमरे की जगह पे आप यहाँ पे इस वाले मोबाइल होल्डर की हेल्प से यहाँ पे अपने मोबाइल को भी अटैच कर सकते हैं। तो यार बहुत ही धासु ये सेल्फी स्टिक होने वाली है। सो फ्रेंड्स आप लोग इस प्रकार से इसे एज अ ट्राइपॉड भी यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका साइज कितना एक्सटेंड हो सकता है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसका जो साइज है इतनी इसकी हाइट रहती है इस वाले ट्राइपॉड स्टैंड की, मतलब कि इस वाली क्लासिक सेल्फी स्टिक की, जो कि कभी भी आप इसे ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात कर इस वाले रिमोट का यूज कैसे करना है तो आपको यहाँ पे इस वाले रिमोट को ऑन कर लेना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 बटने देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पे इस वाली बटनों की हेल्प से आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि जब आप इसे एज अ सेल्फी स्टिक यूज करेंगे तब आप इससे पिक्चर्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपको इस वाले रिमोट में चार्जिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आपको इस वाले रिमोट को चार्ज करना होगा जब भी आप कहीं पर व्लॉगिंग के लिए जाए तो आप इसे चार्ज करके निकल लीजिए। सो फ्रेंड्स ये थी वो क्लासिक सेल्फी स्टिक जिसे आप जब चाहे इस टाइप के स्टैंड की हेल्प से आप इसे ट्राइपॉड स्टैंड बना करके यूज कर सकते हैं, और इसे आप जब चाहे एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी व्लॉगिंग शूट कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह रहती है कि आप इसमें कैमरे को भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने मोबाइल को भी अटैच कर सकते हैं, और इसमें आपको जो रिमोट कंट्रोल मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब कि आप इसमें ब्लूटूथ से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और यदि बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको 350 रुपये के आसपास मीशो एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। अब उसकी आपको लिंक कहाँ मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मीशो एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप उस वाली लिंक से मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आपको ऑर्डर कैसे करना है तो जैसे आप मीशो एप्लीकेशन ओपन करेंगे देन आपको वहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको वहाँ पे कैटेगरी में जाना है, कैटेगरी में आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, आपको वहाँ पे ट्राइपॉड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको ट्राइपॉड पर टच करना है। जैसे आप ट्राइपॉड पर टच करेंगे देन आपके सामने सारे के सारे ट्राइपॉड आ जाएंगे, आपको वहाँ पे इस वाली क्लासिक सेल्फी स्टिक को सर्च कर लेना होगा, और साथ ही में आपको ये गोरिल्ला ट्राइपॉड भी मिल जाएगा, या फिर आप इस टाइप का कोई दूसरा छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड ले सकते हैं, आपको 100 से 150 रुपए
रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लासिक सेल्फी स्टिक पसंद आई होगी, ये गोरिल्ला स्टैंड पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।